बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मामला रतन गोबा ग्राम पंचायत का है, जहां के लोग राशन के लिए तरस रहे हैं। दुकान पर आते ही सेल्समैन प्राइवेट गल्ला दुकानदारों को बेच देते हैं माल। खाद्यान्न वितरण में धांधली। मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान जी वही खाद्यान्न को लेकर सख्त हैं कि गरीब का दाना खाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, परंतु पंचायत रतन कुआ में एक माह का मात्र 15 लोगों को राशन दिया गया और पूरे गांव में अभी तक राशन वितरण नहीं किया गया। जब प्राइमेट न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो गरीबों का हाल जाना तब पता चला है कि ग्राम पंचायत रतन गोबा में खाद्यान्न माफिया द्वारा राशन नहीं बांटा जा रहा है और जब इसका विरोध किया जाता है तो वह खाद्यान्न माफिया द्वारा गुंडागर्दी की जाती है। बदतर हालात को तब बनते हैं तब जिम्मेदार अधिकारी उक्त माफिया की शिकायत सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जब प्राइमेट न्यूज की टीम ने उक्त परिस्थितियों से लिधोरा तहसील एवं SDM महोदय को अवगत कराकर कार्रवाई की बात कही तो तहसीलदार महोदय ने कार्रवाई का आश्वासन दिया और गरीबों को राशन दिलाने की बात कही। शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर गरीबों के राशन पर टाका डाला जा रहा है। सेल्समैन एवं समिति प्रबंधक द्वारा हितग्राहियों को पात्रता पर्ची के अनुसार खाद्यान्न नहीं दिया जाता। देसी तो एक माह का राशन अभी भी फ्री दिया जाता है, परंतु यहां ऐसा कुछ नहीं है। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुखिया ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करवाते हैं या नहीं। का सुरेंद्र कुमार अहरवा, कौन से गांव से हैं? रतनगुआ खाल। आज 7 तारीख है, आज अन्नोत्सव का कार्यक्रम है, आपके यहाँ पे अनाज आपको मिला है क्या? आज नहीं मिला, अभी एक भी महीने का अनाज नहीं मिला क्या आपको? पिछले महीने का बांटा था। हाँ, पिछले महीने का बांटा था तो उन्होंने मतलब वही 15 के बाद ही बांटा था। अच्छा, मतलब 7 तारीख को अन्नोत्सव के कार्यक्रम में अनाज नहीं बांटते? नहीं, नहीं। और महीने में मुश्किल से, जैसे आप लोग बोलते हो कि महीने में एक महीने डेली दुकान खुलेगी उन लोगों की, तो मतलब महीने में 2 या 3 दिन दुकान ही खुलती है बस। क्या नाम है आपका? बालकृष्ण है। कौन से गांव के हैं? रतनगुआ ग्राम पंचायत में जो अन्नोत्सव का कार्यक्रम है 7 तारीख को, आज दुकान खुली है, अनाज मिला आपको? आज नहीं मिला। आज दुकान तो बंद है? बंद है, दुकान बंद है। अच्छा, कितने किलो अनाज मिलता है आपको? हमको पहले मिलता था 30 किलो, अब वो बोलते हैं कि 2 बच्चों के नाम वो कट गए हैं, उसमें आधा कार्ड लिंक ही कहते हैं, वो लिंक नहीं है। फिर आप कितना देते हैं? अब वो 20 किलो देते हैं। क्या नाम है आपका? ये आज अन्नोत्सव का कार्यक्रम है, अभी मैं सुबह आया था तो आपके यहाँ ताला लगा था, खाना खाने चले गए, 15 लोगों को बांटा है, लेकिन दुकान तो दिन भर खुलना चाहिए ना 7 तारीख के बाद। खाना खाने के लिए गए। और कल जो घटना हुई है बोरी बेचने वाली, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारी नहीं है सर। आपकी दुकान के सामने का वीडियो सामने आया है, तौल के माल लिया है अपना सर। आपकी दुकान का वीडियो सामने आया है, वीडियो हमारे पास है, उसमें क्या कहेंगे आप बताएं? हमारे माना हमने बेची, माना पल्लेदार ने चाहिए था, हमें का मतलब है। और ये गांव के रतनगुआ गांव के कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमें 35 किलो की पात्रता पर्ची होने के बाद भी 20 किलो या 25 किलो अनाज दिया जाता है। यार जो तो है सर, के PMG वाले को मिलती है 5 किलो के हिसाब से और प्रधानमंत्री वाला मिलता है 35 किलो, अंत का हार पर समस्या ये है ना।